सो हेलो एंड वेलकम वंस अगेन गाइस। पाकिस्तान की T20 सीरीज का शेड्यूल बताने वाले, तो अभी न्यूजीलैंड से काफ़ी बुरी हार, 4-1 से हार के न्यूजीलैंड में पाकिस्तान हमारा आया हुआ है। तो भाई बहुत बुरी हार थी, वो बहुत बुरी हार थी। तो शाहीन शाह अफरीदी की कैप्टनसी में, तो अब पाकिस्तान का PSL स्टार्ट होने वाला है 17 फेब से 18 मार्च तक की। तो फरवरी से लेकर मार्च तक हमारी पाकिस्तान टीम PSL सीज़न 9 में लगी रहेगी। उसके बाद भाई पाकिस्तान का न्यूजीलैंड से सीरीज़ पड़ेगी, फिर से न्यूजीलैंड से पड़ने वाली। फिर से आप लोग को बता दूँ, अब की न्यूजीलैंड पाकिस्तान का दौरा करने वाली है, जो कि अप्रैल में पड़ेगी। भाई 5 T20 सीरीज़ रहेंगी, जिसकी डेट PCB ने अभी अनाउंस नहीं करी, वो PSL के बाद अनाउंस हो जाएगी भाई। तो अप्रैल में पड़ेगी, वो कन्फर्म है। 5 T20 सीरीज न्यूजीलैंड पाकिस्तान आएगा हमारे, ठीक है। फिर पाकिस्तान वर्सेज आयरलैंड भाई शेड्यूल है, आयरलैंड की सीरीज़ पड़ेगी डबलिन में, जो कि 1st T20 खेला जाएगा फ्राइडे 17 मई को शाम 7 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम एंड इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7:30 बजे। और 2nd T20 डबलिन में ही होगा 19 मई को 7 ही बजे होगा, और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम 7:30 बजे डबलिन में ही, जो कि खेला जाएगा 19 मई को, ठीक है। उसके बाद इंग्लैंड वर्सेस पाकिस्तान टूर, पाकिस्तान इंग्लैंड का दौरा करेगा, इंग्लैंड में ये सीरीज़ पड़ेगी। 5 T20 4 T20 मैचेस होंगे भाई, ठीक है। 22 को होगा फर्स्ट मैच पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम रात में 10:30 बजे, ठीक है। दूसरा मैच होगा ब्रिमिंगम में 25 मई को रात में 10:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम। एंड 3rd T20 भाई पड़ेगा कार्डिफ में 28 मई को रात में ही 10:30 बजे, टाइमिंग वही रहेगी, कोई टाइमिंग में चेंजेस नहीं होंगे, ठीक है। एंड 4th एंड लास्ट T20 भाई पड़ेगा दी ओवल में इंग्लैंड में 30 मई को रात में 10:30 बजे पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम, ठीक है भाई। तो ये इंग्लैंड की सीरीज़ है, इंग्लैंड का दौरा करेगा पाकिस्तान हमारा। उसके बाद जो है भाई, उसके बाद की सीरीज़ आपको अपडेट मैं देता रहूँगा। तो ये अभी फ़िलहाल की मई तक का अपडेट है, मई के लास्ट तक का। तो पाकिस्तान का भाई, आप लोग पहले तो ये बताइए, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप में कैप्टन कौन होने वाला है, आप लोग के हिसाब से कौन होना चाहिए? मैं एक ऑप्शन देता हूँ भाई, मोहम्मद रिजवान को आप बना सकते हैं, मोहम्मद रिजवान को। शाहीन शाह अफरीदी का उस तरह का प्रदर्शन नहीं देखने को मिला भाई, उनके ऊपर और प्रेशर आ चुका है। तो भाई अपना ओपिनियन भी कमेंट करके बताइए भाई, आप लोग के हिसाब से किसको होना चाहिए। तो भाई लोग, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।